नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 12R 5G versus Vivo V29 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 12R 5G में 6.43 इंच जबकि V29 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 12R 5G में 2.96 इंच जबकि V29 Pro 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 12R 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 12R 5G में 0.35 इंच जबकि V29 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 12R 5G में 207 ग्राम्स जबकि V29 Pro 5G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 12R 5G में 19:8:9 जबकि V29 Pro 5G में 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 12R 5G में 1264x2780px FHD+ और V29 Pro 5G में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 12R 5G में 90.26% जबकि V29 Pro 5G में 90.89% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 12R 5G में 450 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V29 Pro 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 12R 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और V29 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 12R 5G में 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और वह 29 Pro 5G की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 12R 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और V29 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 12R 5G में Adreno 740 जबकि V29 Pro 5G में Mali-G 610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 12R 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 और V29 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8200MP 6896Z मिलता है। बात करें RAM की तो 12R 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 16GB की RAM मिलती है, जबकि V29 Pro 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 12R 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि V29 Pro 5G में 1 ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 12R 5G में Android V14 जबकि V29 Pro 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी 12R 5G में 5500 mAh जबकि V29 Pro 5G में 4600 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो 12R5G में 3 कलर्स, जबकि V29 Pro 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 12R5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹36,565, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹42,999, 16GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹42,776 में मिल जाता है। वही अगर बात करें वह 29 Pro 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹39,999, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹42,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus 12R 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo V29 Pro 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें ये रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 12R 5G आ गए है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S24 5G है, दूसरा गूगल पिक्सल 8a 5G है, तीसरा मोटोरोला H50 फ्यूजन 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।